Hello dear students, today we will learn the numbers how to write in order. It can be ascending order or descending order. Numbers ko sikhenge ki unko order mein kaise likhte hain. Ascending order where we have to write the numbers from smallest to the biggest, and descending order where we write the numbers from biggest to smallest. असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें हम छोटा नंबर को पहले लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं. ओके, अब हम इनके कुछ नंबर्स लिख लेते हैं और उनको करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव नंबर 70,000, 73,293 एंड 73,923 and then 37,923 and next number is 37,293 and after this 73,392. These are the numbers which we have to arrange in the order. ये number जो है हमें क्या करना है इनके साथ, इनको order में डालना है. Order में डालेंगे. Okay, तो let's write the answer. Answer लिखते हैं इनका. देखो क्या करना है हमें, we will compare the numbers. हम numbers को compare करेंगे. How? First we will count the number of digit in all. Here you can see these all numbers have 5 digits. इनके डिजिट कंपेयर करेंगे और इन सब के जो डिजिट्स हैं वो 5 ही हैं. ओके, आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, हम इनके फर्स्ट डिजिट्स को कंपेयर करेंगे. फर्स्ट डिजिट में हमारे पास यहाँ पे 77 है, यहाँ पे भी 7 है, तो ये दोनों सेम हो गए. यहाँ पे 3 है, मतलब कि ये 3 इन दोनों नंबर से पहले आ सकता है. हेयर अगेन 3, हेयर वी हैव 7. ओके, देखो जो 3 वाले दोनों नंबर हैं वो छोटे हैं, उन दोनों में कौन सा नंबर छोटा है, इन ये दोनों नंबर छोटे हैं और इनमें से सबसे छोटा कौन सा है. देखो ये 37, अगेन वी हैव 37, इनकी वजह से हम इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे. हम जाएंगे इनकी 100th प्लेस पे. 100th प्लेस पे देखो क्या नंबर दे रखा है हमें, वी हैव 9 एट 100th प्लेस. यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे 100th प्लेस पे क्या है 2. So, इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा हुआ, दैट इज 2. तो 2 वाला जो नंबर है उसे हम पहले लिखेंगे. यहाँ पे 37,293 हम सबसे पहले लिखेंगे. इसके बाद अब कौन सा नंबर आएगा, देखो 37 वाला अभी भी बाकी सभी नंबर से छोटा है, तो हम उसे इसके बाद लिखेंगे 37,923. इसको लिखने के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना होगा. देखो अब हम इन दोनों नंबर को अंडरलाइन कर दिए, इन दोनों को नहीं देखेंगे, बाकी के नंबर्स को कंपेयर करेंगे जिनमें 73 सभी में कॉमन है. फर्स्ट 2 डिजिट तो 73 है, मतलब हम फर्स्ट 2 डिजिट को देख के ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है. तो हम जाएंगे 100th प्लेस पे. इन ऑन द 100th प्लेस हियर वी हैव 2, 9 एंड 3. तो हमें पता है कि 2 छोटा है, तो हम 2 वाला डिजिट को नेक्स्ट लिखेंगे और 3 वाले डिजिट को उसके बाद लिखेंगे और जो लास्ट में बचा वो सबसे लास्ट में लिख देंगे. 9 वाले डिजिट को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे. अब ये हो गया इनका अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. ऐसे हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. अब नंबर्स जो है मैं थोड़े बड़े ले लेता हूँ ताकि हम थाउजेंड्स में भी जा सकें, लैक में भी जा सकें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 1,23,456 एंड देन 1,32,456 then 1,23,546 then 1,23,000
564, and then we have 123,654. ये numbers हैं हमारे पास. Compare करेंगे same वही trick जो पहले की थी. हम सबसे पहले इनकी number of digits देख लेंगे, सबके कितने कितने digit हैं. देखो यहाँ पे इनके 6 digit हैं, इनके भी 6 digit हैं, मतलब सबके ही 6 digit हैं. इसके बाद यहाँ पे देखो हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है. छोटे के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनके फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना होगा. वन यहाँ पे भी मतलब सबके आगे वन ही है. नेक्स्ट डिजिट टू, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे टू टू टू, ये थ्री सबसे बड़ा है, मतलब ये नंबर जो है सबसे बड़ा हो गया, तो इसे सबसे लास्ट में लिखेंगे. ठीक है, अब इसको कंपेयर नहीं करेंगे. अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट थ्री डिजिट जो है सबके वो सेम है यहां तक. अब जो बाकी नंबर बच गए हैं, मतलब फर्स्ट थ्री डिजिट तो हम देखेंगे ही नहीं, हम कंपेयर करना शुरू करेंगे अब फोर्थ डिजिट से. फोर्थ डिजिट में यहाँ पे देखो जो हंड्रेड प्लेस पे है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ पे भी फाइव है, यहाँ पे सिक्स है, तो छोटा कौन है, फोर. तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे. दिस विल बी द फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर. देन वी राइट आंसर एंड 1,23,456 will be the first number. अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, देखो 556, तो 5 में से आ सकता है ये. इसका नेक्स्ट जो टेंथ प्लेस पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 वाला बड़ा हुआ, मतलब ये जो है नेक्स्ट छोटा नंबर होगा. 1,23,546 ये छोटा हो गया. इसके बाद जो नंबर आएगा दैट इज 1,23,564, ये नंबर लिखा हमने. अब इसके बाद ये नंबर आएगा 1,23,654. इसके बाद हमने ये पहले से ही बता दिया था कि ये नंबर यहाँ पे इसके 10,000 प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट है इन सभी में से. सो ये नंबर जो है वो सबसे बड़ा हो गया और जिसे सबसे लास्ट में आएगा. ऐसे तो ऐसे हम इनको अरेंज करेंगे इन द असेंडिंग ऑर्डर. इसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. ओके, आई होप कि असेंडिंग ऑर्डर आपको समझ आया. अब हम लिखेंगे नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज 34,173. नेक्स्ट इज 43,731 एंड 43,137. देन 34,371. देन 43,370. ओके, सो नाउ वी विल कंपेयर. दिस टाइम वी विल राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अभी हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने वाले हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर की मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है वो पहले लिखा जाएगा. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टू डिजिट में 34 है, यहाँ पे 43 है, तो बड़ा तो 43 हुआ. ठीक है, मतलब ये नंबर पहले नहीं लिखा जाएगा. यहाँ पे भी 43 है, यहाँ पे 34 है, ये भी बाद में लिखा जाएगा, यहाँ पे 43 है. तो ये जो तीन नंबर है इनमें से कोई सबसे बड़ा नंबर हो सकता है. उसको पता करने के लिए हम इनके हंड्रेड प्लेस पे जाने वाले हैं. अभी यहाँ पे 7 है, 1 है, 3 है, तो 7 जो है सबसे बड़ा हो गया, तो इसे सबसे पहले लिखा जाएगा. हम यहाँ पे लिखेंगे 43,731. इसके बाद देखो 7 के बाद कौन सा डिजिट था हमारे पास, वी हैड 3 विच इज बिगर, 43 और उसके बाद 3 था, तो ये हो गया हमारा नंबर सेकंड प्लेस पे. अब इसके बाद 1 वाला है, और 1 के बाद अब हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो 34
34,000 वाले बचे हैं, इनमें से 34 दोनों में सेम है तो हम इनकी भी 100th प्लेस कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 3 है तो 3 वाला नंबर बड़ा है, इसे पहले लिख देंगे और इसके बाद हम 34,173 को लिखेंगे। ऐसे हम इनका आंसर निकालेंगे। अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बड़े नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5,46,290, देन वी हैव 5,46,029, देन वी हैव 5,46,209 एंड देन 5,64,209 एंड द लास्ट नंबर इज 5,64,290। ओके, सो नाउ वी विल राइट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे बड़ा फाइंड करेंगे और उसे सबसे पहले लिखेंगे। देखो, आप अगर ध्यान दो तो फर्स्ट थ्री डिजिट यहाँ पे 546 546 546 और यहाँ पे 564 564 दे रखा है। तो ये जो पहले तीन नंबर है ये तो छोटे हो गए लास्ट वाले दो नंबर से। अब लास्ट वाले दो में 64 64 सेम है, बट इसके बाद टू, देखो फर्स्ट फोर डिजिट सेम है दोनों के, तो कंपेयर करेंगे नेक्स्ट डिजिट से टेंथ प्लेस पे जो है। यहाँ पे जीरो और यहाँ पे नाइन होने की वजह से ये नाइन वाला नंबर जो है वो बड़ा हो गया, मतलब ये जो लास्ट लिखा हुआ था ये सबसे आगे आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो गया 5,64,290। और इसके बाद इससे कंपेरिजन चल रहा था तो मतलब ये ही छोटा होगा इससे 209। अब इसके बाद नेक्स्ट इन तीन नंबर में से देखेंगे, ये इनके फर्स्ट थ्री सेम थे, यहाँ पे टू है जीरो है तो ये लास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे टू है। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे नाइन है जीरो है तो ये नाइन वाला आएगा नेक्स्ट, इसके बाद ये नंबर लिखेंगे और लास्ट में ये नंबर आएगा। तो लिखते हैं 5,46,290, देन 46,209, then 5,46,029. This will be the answer here. ये जो है वो आंसर होगा यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो हमें क्या लिखा है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स ईच ओनली वंस। हमें बनाना है सबसे बड़ा नंबर एंड सबसे छोटा नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। स्मॉलेस्ट भी बनाएंगे और बिगेस्ट भी बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, एंड ग्रेटेस्ट नंबर। हमें कितने डिजिट नंबर बनाना है, सिक्स डिजिट, तो हम यहाँ पे सिक्स ब्लैंक्स लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सेम हियर 1 2 3 4 5 6। ओके, देखो जब हमें स्मॉलेस्ट में जाना है, छोटा नंबर लिखना है, तो हम इन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर देखेंगे कौन सा है। आप देख सकते हैं इन सभी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर है जीरो, बट हम जीरो कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखते हैं। फर्स्ट प्लेस पे जीरो की एंट्री नहीं करवाई जाएगी क्योंकि जीरो मींस नथिंग। ओके, और जब जीरो फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो उससे क्या होता है, वो सिक्स डिजिट नंबर्स की जगह पे वो फाइव डिजिट नंबर बन जाता है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम जीरो लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, वो एक डिजिट कम हो जाता है नंबर, और हमें सिक्स डिजिट ही बनाना है। अगर ये लिखा हो तब भी, अगर नहीं लिखा हो तब भी, हम जीरो को हमेशा ही सेकंड प्लेस पे एंटर करवाएंगे जब भी हमें छोटा नंबर लिखना। और जीरो को छोड़ के
इस जीरो को छोड़ के अब जो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आ जाएगा। देखो सबसे छोटा कौन हुआ, वन, इसको पहले लिखेंगे अब ये 10 बन जाएगा। हो सकता है हमारे पास 3 होता तो 3 को सबसे आगे लिखते, बट 0 को सबसे आगे नहीं लिखते। क्लियर? ये कई बार लिखा भी होता है कि 6 डिजिट नंबर बनाना है और नहीं भी लिखा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं लिखा है तो हम 0 को आगे लिखते, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके पास डिजिट दे रखे हैं ओके, और आपको क्या करना है, ईच डिजिट ओनली वंस मींस आपको हर एक डिजिट पे एक ही डिजिट लिखना है। जैसे यहाँ पे 0 है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे भी 0 लिख दो। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है इन सम में, 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस ओके, एंड नाउ वी विल फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट। इन ग्रेटेस्ट वी विल राइट द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा जो होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे 9, 9 के बाद 9 से छोटा 6, 6 के बाद उससे छोटा 4, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1 और लास्ट में 0 लगा देंगे। लास्ट में 0 चलता है। इस तरह हम नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बनाते हैं। सिर्फ स्मॉलेस्ट में हमें 0 का ध्यान रखना होता है ओके। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट नंबर इज 1 लाख और हमें क्या लिखना है, इन सभी नंबर्स को बताना है कि ये कितने थाउजेंड्स होते हैं ओके। इक्वल टू 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड, यहाँ पे हमें पूछा गया क्वेश्चन में। Equal to how many thousands, here hundreds and here hundreds, here again hundreds। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक बार 1 लाख लिखते हैं। 1 लाख कैसे लिखा जाता है, 1, 2 zeros then 3 zeros ओके। हमें बताना है 1 लाख जो है कितने थाउजेंड्स के इक्वल होता है, हमें थाउजेंड प्लेस पे आना है इसके। देखो थाउजेंड प्लेस कौन सी है, अगर हम ध्यान दें तो ये प्लेस जो है हमारी वंस प्लेस है, टेंस है, हंड्रेड्स है और ये हमारी थाउजेंड्स प्लेस हो गई। अब थाउजेंड्स प्लेस में कितने जो है, 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं आप देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर हम 1 लाख की बात करते हैं तो 1 लाख को किससे इंटू करना होगा कि वो जो है 1 लाख थाउजेंड्स बन जाए ओके। आप ये कमेंट करके बता सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 100 times thousands is equal to 1 lakh, 100 times thousands ओके। जब हम 100 times करते हैं तब जाके 1 lakh बनता है thousands को। देखो हमारे पास ये thousand है ओके, अगर हम इसको into करेंगे 100 से तब जाके क्या होगा, 1 का 1 आ जाएगा और पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस आ जाएंगी। मतलब अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें 100 से इंटू करना होगा 1000 को। हम यहाँ से देखेंगे कितने नंबर्स कम पड़ रहे हैं, यहाँ से 1 digit, 2 digit and 3 digit, 3 digits कम पड़ रहे हैं तो हम इसे 100 से इंटू करेंगे। ऐसा ही अगर हमें 10,000 बताना हो तो 10,000 हमारे पास हो तो 10,000 में ये हमारे पास 10,000 है, 10,000 बनाने के लिए कितने हंड्रेड्स की जरूरत पड़ेगी, ये हमारे पास 100 है तो कितने चाहिए, देखो यहाँ पे कितने हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2 zeros तो थे, हमें और 2 चाहिए थे तो हम 100 को 100 से इंटू करेंगे तो हमें 100 hundreds चाहिए होंगे फॉर 10,000 ओके। नाउ अगेन 1 lakh इज गिवन, 1 lakh दे रखा हमें, हम 1 lakh लिख लेते हैं
ये 1 लाख हो गया इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स, इसको किस से इंटू करेंगे कि ये हंड्रेड्स हो, मतलब कितने हंड्रेड्स कम पड़ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे 2 जीरो तो हमने यहाँ पे लिख ली है, ये 2, अब कितनी कम पड़ रही है 3, तो ये 1 के पीछे 3, तो क्या नंबर चाहिए होगा हमें 1000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 हंड्रेड्स, ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे। देन 1000 कैसे होता है 1 3 जीरो, और 100 कैसे होता है 1 2 जीरो, कितनी कम पड़ रही है 1, तो 1 के पीछे 1 जीरो लगाएंगे, ये कितना हुआ 10, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे हम इनको सोल्व करते हैं, ये हमारा जो है आंसर होगा। इस तरह से हम नंबर्स को पता लगाते हैं कि ये कितने थाउजेंड्स है और कितने हंड्रेड्स होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। थैंक यू।